गुना में एक अजब वाकया हुआ। यहाँ एक हैंडपंप को जैसे ही चलाया उसमें से शराब निकलने लगी। सब हैरान कि ये क्या हुआ। पुलिस भी पहुंच गई, वो भी हैंडपंप चलाने लगी। देखते ही देखते शराब की धार लग गई और केन के केन भरने लगे। लेकिन माजरा समझते देर न लगी और फिर पुलिस एक्शन में आ गई। ये मामला चांचौर थाना क्षेत्र के भानपुरा और राघौरगढ़ के ग्राम साकोनिया गांव का है। यहाँ एक हैंडपंप पानी की जगह शराब उगल रहा है। इसका पता तब चला जब गांव में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस टीम अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही थी। उसने इस गांव में अजब छापा मार कर खोजबीन शुरू की तो भारी मात्रा में अवैध शराब और लाहन मिला। उसी दौरान उसने जब पानी पीने के लिए हैंडपंप चलाया तो उसमें से शराब निकलने लगी। पुलिस को माजरा समझते देर न लगी। हैंडपंप के आसपास खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे शराब से भरा ड्रम रखा था, इसलिए हैंडपंप चलाते ही उसमें से शराब निकलने लगती थी। मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गुना में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों की कुंडलियां खंगाली और छापे शुरू किए। साथ ही होटल ढाबा दुकान पर भी तलाशी ली। भानपुरा और साकोनिया गांव में अवैध शराब पुलिस ने करीबन 5.50 लाख रुपए कीमत का लाहन और शराब बनाने के विभिन्न उपकरण जब्त किए। हाथ मट्टी की बनी करीबन 1,50,000 रुपए की 1,430 लीटर अवैध जहरीली शराब बरामद कर दोनों ही थानों में अवैध शराब बनाने वाले कुल 108 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन गांवों में कंजर समुदाय के लोगों के अवैध शराब बनाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। भारी पुलिस फोर्स इन गांव में पहुंचा और अवैध शराब बनाने के ठिकानों दबिश दी। इस दौरान जहां पर कई जगह शराब बनाने की सामग्रियां मिली, ग्राम भानपुरा में शराब कारोबारियों द्वारा शराब बनाने के लिए तैयार किए गए करीबन 16,000 लीटर लाहन ड्रमों में भरा हुआ मिला। इसे टीम ने नष्ट कर दिया। कई भट्टियां, पानी की टंकी सहित अन्य सामान भी नष्ट किया गया। छापा पड़ते ही आरोपी भाग निकले। सबके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।